फ्रेम में आ रहा हूँ ना पूरा। हाँ अरे नहीं अभी नहीं आ रहा यार, सेट कर दूँ। रुको रुको, ऐसे आ रहा हूँ। हाँ और अंदर 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 और अंदर, बस बस जल्दी वहां बैठो। पॉडकास्ट खुद नहीं बना मतलब पॉडकास्ट की बिहाइंड द सीन्स गंदे क्यों इतने लोग सोचेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। ये है हमारा एपिसोड 3 ऑफ द वीक बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो हम लोग ना ये हर हफ्ते शूट नहीं कर रहे हैं, हर दिन शूट कर रहे हैं एपिसोड। देख रहे हो मेहनत, देखो लॉन्डे की मेहनत, लॉन्डो की सारा क्रेडिट तो नहीं ले जा रहा है। हर दिन शूट करते हैं हर दिन। आपके पास नहीं आ रही थी? आ रही थी। नहीं आ रही थी। बाल किधर है? उससे क्या हुआ? हर दिन शूट कर रहे हैं हर दिन, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाने वाला है कुछ दिन बाद, तो मोबाइल पर कौन ही पाता है भाई देखो सही से, ठीक है? इसीलिए हम लोग पहले ही शूट कर लेते हैं ताकि हफ्ते हफ्ते पोस्ट करनी है, समझे? इसीलिए जो है कमेंट भेजा करो, व्यूज तो देते नहीं हो क्या? ऑप्शन तो दो, टॉपिक बात करें। यस नहीं, आई मीन टॉपिक सुनना हमारा काम है क्या भाई? ऑडियंस से ही अच्छी मांग लोगे तो हमारा क्या काम है? टॉपिक उनको वो किस चीज में इंटरेस्ट है वो बताए। अंडे दो, ये चीज में इंटरेस्ट हो तो हमको, तो हमको व्यूज दो, कट्टे कट्टे हमने। चलो अच्छा, तो वेलकम टू आवर एपिसोड 3 ऑफ देवांश एंड टॉक्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसको सुन के आपका दिल दहल जाएगा। दिल के अलावा भी कुछ दहल जाए तो बता देना, मैं तो दिल ही दहलेगा तो और क्या, हम भाई अनोखे। देखो हम बाकी पॉडकास्टर की तरह नहीं है कि जो डबल मीनिंग बातें करेंगे, नहीं हम यहाँ बैठ के करेंगे। देख लो अगर झेल सकते हो तो झेल लो। वैसे अगर आपको अपनी आवाज लानी है तो माइक के पास रहना पड़ता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियस केस के बारे में जिसके लिए कि आपका मन दहल जाएगा, दिल दहल जाएगा, दिल दहल जाएगा। मतलब एक क्राइम केस है बहुत ही, इसने मुझे कल बताया तो मैंने कहा क्यों ना हम आपको शेयर करें आपसे, ताकि आपको पता चले कि ऐसा कुछ हुआ था। आपने इस केस के बारे में सुना होगा मे बी, लेकिन जो है मैंने सोचा कि बता देते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारी ऑडियंस को भी तो पता चलना चाहिए ना कि जो है केस में हुआ क्या था। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कुछ कैरेक्टर्स हैं इसमें, मैं कैरेक्टर्स का नाम बोल गया हूँ तो फॉरगेट इट, मेक एवरीथिंग अ कंटेंट। चलो लेट्स कंटिन्यू विद हर टॉक्स। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ हम लोग बात कर रहे थे एक ऐसे इंसान के केसेस के बारे में जो कि लाइक सबसे गोर केस है, जिसको जब उसने भी सुना था लाइक क्या कहते हैं वो कौन था, जज, यस मैं जज ही बोलिया होता हूँ तो जब जज ने ये केस सुना था तो वो भी चकरा गया था, उसको भी समझ नहीं आया कि वो कर क्या रहा है, लाइक क्या बंदे ने किया उसको ये समझ नहीं आया। तो इस केस में हमारे मेन जो कैरेक्टर है वो एक ही है, मेन कैरेक्टर हमारा एक ही है जो कि मतलब तो उस टाइम सिंपली कितना लॉ बना रहा था जज भूमिका से। हाँ 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 नहीं ये दूसरी स्टोरी है, नहीं इसकी लॉ बना पड़ा था, लॉ बना था क्योंकि केस ही ऐसा था पूरा उलझ गया था केस पूरा, इसलिए नया कानून बनाना पड़ा था। हाँ। ये वाला जो है लाइक इसमें समझ लो एक ही बंदा है, इनफैक्ट 3 से 4 लोग हैं, पर वो 3 से 4 लोग असली नहीं है, वो सारे नकली हैं। पूछो कैसे? क्योंकि जो एक बंदा है ये उसी ने सारा प्लान किया था मामला। और ये केस है साइबर सिक्योरिटी वाला। इसमें ये हुआ था कि सबसे पहले तो हम लोग आपको एक कैरेक्टर का नाम बता देते, एक्स ले लो उस कैरेक्टर का, मैं नाम भूल गया जैसे बताया मैंने, ठीक है? तो उस कैरेक्टर का नाम है एक्स। अब ये एक्स ही मेल है, ठीक है? ये एक्स मेल है, और अब ये जो मेल है ये बहुत इंटेलिजेंट मेल है, ठीक है? इस मेल में लाइक बेसिकली आप समझ लो इतनी इंटेलिजेंस है कि इसने अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम तक बना लिया था उस एज में, और लाइक उसको कभी रिलीज नहीं किया गया क्योंकि ये तो केस वेस में पड़ गया। बट या उसका जो दिमाग था वो बहुत तेज था, उसका आईक्यू बहुत अच्छा था, तो उसने एक एप्लीकेशन बनाई अपनी मतलब जो अकेलापन है उसको दूर करने के लिए उसने एक एप्लीकेशन बनाई, उसका नाम उसने दिया था एक सोशल मीडिया ऐप टाइप थी, जैसे आपने आज इंस्टाग्राम हम लोग यूज करते हैं, आप डिस्कॉर्ड यूज करते हो, ओमेगल यूज करते हो, ओमेगल की तरह था वो एप्लीकेशन, बस फर्क ये था कि वो भी लेकिन उसमें ये फर्क था वो अनोनिमस था पूछ रहे थे। ओमेगल पे आपको अगर अपना नाम देना तो आप दे सकते हो,
लेकिन लाइक उसपे ये था कि उसपे आपकी पूरी तरीके से एनोनिमिटी मेंटेन थी, आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, कोई सुराग नहीं, कोई सुराग नहीं मिल सकता आपको उस बंदे का जिसने किया। तो अब उसने लाइक एप्लीकेशन बनाई, तो उसने जब एप्लीकेशन बनाई तो अब मैं यहाँ से स्टोरी करूंगा स्किप, क्योंकि ये मुझे पार्ट ही यही से जो है मेन स्टोरी शुरू होती है। ये इंटरेस्टिंग पार्ट जो है मैं आपको बताऊंगा एंड में। अब मैं आपको बताता हूँ और बैक आगे की स्टोरी। जब ये एप्लीकेशन बन गई उसके बाद की, तो एक दिन रैंडमली एक बंदा था जो कि लाइक एप्लीकेशन पे आया, क्योंकि वो भी ऐसा ही था कि लाइक एकदम ठीक है। अब वो आया, उसने ढूंढना शुरू किया लोगों को, लाइक मिला लोगों से, बात बात करी, लेकिन हाँ ओमेगल पे ये होता है वीडियो कॉल, इस पे वीडियो कॉल फीचर नहीं था, इस पे आप अनोनिमसली चैट कर सकते थे लोगों के साथ में, पूरी दुनिया के साथ में कनेक्ट करके आप चैट कर सकते थे। तो लाइक आया, उसने चैट करी, उसको चैट करते करते एक लड़की मिली। अब उसको तो जो है अकेलापन था ही, और उस लड़की ने ऐसी बातें करना शुरू कर दिया कि लाइक तुम्हारी बहुत अच्छी तरीके हैं बोलने के, और लाइक तुम बहुत अच्छा जो है लाइक बातें बातें करते हो। तो उसने कहा कि वांट टू मीट मी, तो उसने लाइक कहा कि हाँ बिल्कुल श्योर, उसने कहा मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, तो वो बन गया। अब उसने जो है ये कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड तो बन गए, बट अब मैं तुमको एक राज की बात बताने वाली हूँ। तो उसने कहा राज की बात? अब राज की बात ये है कि वो थी एक अंडरकवर एजेंट जो गवर्नमेंट के लिए काम करती थी, ठीक है। तो वो अंडरकवर एजेंट थी, और उसने जो है कहा कि मेरा एक मिशन है कि तुमको इस एक्स जो बंदा है, जो एक्स बंदा है जिसने साइट बनाई थी, मैं ऐसे ये क्यों बता रहा हूँ, नहीं बताऊंगा, खुद ही गैस करो ये कौन हो सकता है। तो एक बंदा है, उसको प्रोटेक्शन देनी है तुमको, उसका जो है खजाना खोद के निकालना है पैसिफिक ओशन के नीचे से, पैसिफिक ओशन के डीपेस्ट ट्रेंड से तो कोई गया नहीं है, लोगों का यही मानना है कि 10,000 शायद फीट है, सिर्फ उतनी ही शायद गहराई है, लेकिन उससे कई ज्यादा गहराई है। द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड इज इन पैसिफिक ओशन, हाँ मरियाना ट्रेंच, लेकिन मरियाना ट्रेंच की और भी बहुत गहराई है, हम लोग तो इतनी गहराई तक जा नहीं सकते, हाँ बहुत है, क्योंकि जब देखो जो अभी वो डूब गई थी हमारी टाइटैनिक सबमरीन थी याद है, उस केस में, तो लाइक वही पर एक उसका खजाना छुपा हुआ है, और वो जो बंदा है वो एकदम समझ लो गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है, जैसा कि इसने बताया एजेंट ने, अंडरकवर एजेंट ने, कि उसके पास इतना पैसा है कि वो जो है समझ लो पूरी दुनिया खरीद सकता है, और तुमको जो है उसका प्रोटेक्शन करनी है ताकि वो जो है अपना जो खजाना है वो निकाल कर लेकर आए उसमें से वॉल्ट में से, और जो है गवर्नमेंट को दे दे, ताकि ये हो कि गवर्नमेंट उसको सेफ रख सके, उस बंदे को भी और उस खजाने को भी। ऑफ कोर्स तो वो फंस गया, उसने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है अकेला तो था ही, उसके पास काम भी धंधा भी होगा नहीं होगा मुझे क्या पता तो वो जाने तो वो फंस गया। उसने कहा ठीक है मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसने कहा तुमको एक नाम रखना पड़ेगा अपना, एक सीक्रेट नाम, जैसे उसका एक सीक्रेट नाम था अमांडा, तो उसने कहा कि तुम भी अपना एक सीक्रेट नाम रखो, तो उसने अपने एक सीक्रेट नाम रखा फिर ये लोग मिशन पे गए। समझ लो ये स्टोरी बहुत लंबी है, पर मैं आपको एक छोटे से उसमें समझा रहा हूँ ये। तो उसने जब अपना नाम रखा देन वो गए, तो लेकिन अब उसने कहा कि तुमको मुझे इधर मिलना पड़ेगा एक्स जगह पर, वो जो बंदा है जो वाई जगह पर, वो जो एक्स बंदा है वो आने वाला है, और तुमसे वहां पे उसको बचाना पड़ेगा मरने से। लाइक ये स्टोरी स्किप हो गई है, तो बीच में काफी चीजें हुई थी, तो उसमें मेन जो चीज थी वो यही हुई थी कि उसने बताया एक दिन रैंडमली उसके मैसेज आया बंदे के पास उसी ऐप पे कि जो है वो जो एक्स बंदा है वो इधर आने वाला है इस लोकेशन पे, वाई लोकेशन पे, और वहां पर उसकी जान को खतरा है और तुमको उसको बचाना है, और यही तुम्हारा अभी का मिशन है, ताकि तुम उसको अगर बचा लो तो वो तुम पे ट्रस्ट करे, उसका ट्रस्ट गेन करो। तो वो गया ठीक है उस वाई लोकेशन पे, और उसने कहा था उस बंदी ने कि मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी वहीं पर उसी लोकेशन में, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी और तुमको तुम्हारा जो नाम है वो मैं क्लियर कर दूंगी अपने उसमें से, लाइक तुम्हारा नाम है मैं क्लियर कर दूंगी कि जो है इसने मार दिया बंदे को। अच्छा हाँ उसने ये भी कहा था कि उसको बचाना है तुमको, लेकिन तुमको उसको मार भी देना है। अब समझे क्यों केस इतना ज्यादा उलझा हुआ था, क्यों इसके लिए नया लॉ बनाना पड़ा, इसी वजह से क्योंकि उस बंदी ने उसको उलझा दिया था, चारों तरफ से उलझा ही वो उलझा हुआ था, बहुत ज्यादा उलझा हुआ था, काफी कुछ हुआ है बीच बीच में, लेकिन मैं आपको एक समरी में बता रहा हूँ मेन पॉइंट्स।
तो मेन पॉइंट यही है कि फिर लोकेशन बुलाया, वो गया, उसने जो है वो बात किया उस बंदे से, बात करते 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 उसको ये रियलाइज हुआ धीरे धीरे कि ये जो बंदा है ये तो वही है जो इसका दोस्त है। अब आता है प्लॉट में ट्विस्ट, ये उसको मार देता है। अब जब ये मारता है तो जो है ये केस हो जाता है यहीं पर समाप्त, क्योंकि अब यहां पर होता है पुलिस आती है, पकड़ती है उसको, ले जाती है कोर्ट में। ये पता चलता है कि जो एक्स बंदा जो मारा था, जिसने एप्लीकेशन बनाई थी, वो ही सारे कैरेक्टर्स अब तक प्ले करता आ रहा था। जो सीक्रेट एजेंट थी वो भी वही था, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी वही थी, और जो वो बंदा था सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट जो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी वही था। और पूरी एप्लीकेशन पर अभी तक जितने भी लोगों से मिला था ये जेड, ये सारे बंदे वही था। और उसी ने जो है सारी चीजों को टर्न अराउंड करके अपने आप को मरवा दिया था। और अभी आपको पता है वो बंदा मरा नहीं था, उसको जो है 21 बार स्टैब किया गया था उसको चाकू से, तब भी वो मरा नहीं था, वो जिंदा बच गया था। उसको वो हॉस्पिटल लेकर भी गया था ताकि अगर वो जिंदा बचने की चांसेस हो तो बच जाए, और वो जिंदा बच गया था। तब ये चीज पता चली थी कि सारे कैरेक्टर्स वही प्ले कर रहा था, और जब उसका लाइक मकसद उसको नहीं लगा कि और कुछ है करने के लिए, तो उसने अपने आप को मरवाने का जो है ये सब षड्यंत्र रचा। अब इसके लिए एक नया लॉ बनाना पड़ गया था गवर्नमेंट को, कि जज ने वहीं पर बैठे बैठे, गवर्नमेंट ने भी नहीं बनाया था, जज ने वहीं बैठे बैठे एक लॉ बना दिया था नया, कि अपने आप का लाइक ऐसे करने के लिए कुछ था लॉ, तो एक नया लॉ बना था। इसी चक्कर में आपको एक केस सर्च करना, तो आप जाके इंटरनेट पे कर सकते हो, ये केस वैसा ही है। ये बहुत ही मिस्टीरियस केस है, बहुत ही मिस्टीरियस। लाइक आप देख रहे हो कि बंदा कितना ज्यादा जो है स्मार्ट था और कितना ही बुद्धू था, अपने आप को मरवा दिया इन्हें आकर। आप सोचो अगर ऐसा किसी के रियल लाइफ में हो, मतलब रियल लाइफ में और कोई अगर ऐसा कुछ करे, ये रियल लाइफ ही केस है ऐसा जो है, जहां पे मैंने नेट पे जब पढ़ा था तो बताते हुए लग रहे थे कि ये रियल लाइफ केस है, बट अब क्या मानना। अरे यार तुमने तो मुझे बताया ना इस बारे में, तुम वैसे ही बड़ा शौक हो गया सुन के क्या कहानी है। मैंने कहा क्यों ना इसको पॉडकास्ट शेयर कर सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत ही ऐसी मतलब ऐसा इतना मिस्टीरियस बंदा, इतना दिमाग है, इतना पूरा खेल खेल के उसने पूरा जज से नया लॉ मरवाया, ये मुझे समझ नहीं आया। तुम्हारी मिस्ट्री है जो आज सॉल्व, वही तो मिस्ट्री है कि उसने अपना मरवाया, लेकिन वो अभी तक बताया नहीं है। वो बंदा जिंदा बच गया तब भी नहीं बताया भाई कि वो अपने मरवाना चाहता था। मिस्ट्री है भाई, ये मिस्ट्री है, पता नहीं कब चलेगी। वो मर गया, उसके साथ वो मिस्ट्री चली गई। बहुत पुराना है ये बात, हाँ ये बहुत पुराना, लाइक मैंने बहुत पहले ये पढ़ा था, लेकिन मैंने इनको बताया कल ही है। तो वेल यही है। एंड हाँ, हमने बीच में टाइटैनिक सबमरीन के बारे में बात करी थी, टाइटैनिक सबमरीन की उसी तरीके से उसी जगह पे मौत हुई, वो ही है जहां पर जो है टाइटैनिक डूबी है, पता है आपको। ये भी एक मिस्टीरियस चीज है, लोग तो ये कह रहे हैं कि जो हल है वो डेथ की वजह से जो है वो हो गया। डेथ की वजह से क्रैश, सबमरीन थी, लोग कह रहे थे कि सबमरीन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वहां तक झेल पाए, तो इसलिए वो जैसे ही प्रेशर वजह से वो टूट गई। लेकिन भाई वो विद इन सेकंड्स, हाँ विद इन सेकंड्स ही आ जाएगा, बहुत कम समय में वो, लेकिन एक्सप्लोड हो गई थी, एक्सप्लोड थी वो, हाँ वो इम्प्लोड हुई थी यस। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आया, झूठ है। आई मीन टेक्नोलॉजी हम लोग के पास है इतनी, हम लोग जा सकते हैं नीचे, वो सबमरीन गए भी, बट भाई ये थोड़ा कोइंसिडेंशियल लग रहा है, उसी सेम जगह पे उसी सेम डेप्थ में जाके जो है एक्सप्लोड हुई। नहीं समझ में, देखो जैसे कि उतना नीचे कोई गया नहीं है, 17,000 फीट बहुत ज्यादा, आप जो प्रेशर है वाटर प्रेशर में बहुत हाई होता है। टाइटैनिक डूबी किधर थी? मैं नहीं, टाइटैनिक ये नहीं पता, इंटरनेशनल डूबी कह सकती, आइसबर्ग से टकरा किसी डूबी थी, आइसबर्ग मैंने जहाँ वो डूबी थी वो वहीं पे नीचे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने गए थे। ये तो मुझे पता है, इन्फॉर्मेशन ही गैदर करने गए थे। आपको पता है एक कौन सी ट्रिप थी? ये जो ट्रिप थी ये थी उन लोगों की उसके लिए, रिच पर्सन थे, बहुत सारे रिच पर्सन थे जिसमें $1.5 लाख, $1 लाख देकर वो लोग जो है गए थे, और वो भी वो लोग बहुत एंथुसियास्ट थे, उन लोग को ये सब चीजें करने का शौक था, मतलब घूमने का
और लाइक पैसे खर्च करके जो है अपनी शौक पूरे करने का बहुत था। वही बैर उसने देखा था कि एक्सप्लोड हुआ था, मेरा सिर्फ वाटर प्रेशर वहाँ बहुत हाई था। वाटर प्रेशर तो हाई था वो तो ठीक है, चलो रीजन मान लिया। लेकिन आप कोइंसिडेंस देख रहे हो कि उसी सेम जगह पे जितने जहाँ पे लोगों की इनविजिबल कब्र बनी है उसी जगह पे और 5 कब्रें बनी है, वो भी उसी सेम नाम की सबमरीन से जो कि शिप का नाम टाइटैनिक, टाइटैनिक सबमरीन। और वो भी पता है ये भी जो है कही जा रही थी द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सबमरीन एवर क्रिएटेड, ऐसा बोला जा रहा था इसको। लेकिन इसकी एक लूपहोल थी, खैर ये मुझे पता चली थी लूपहोल, कि एक एम्प्लॉय था जो लाइक बनवा रहा था, जब जब मॉडलिंग मॉडलिंग होती है ना आपको पता होगा कि प्री मॉडलिंग का एक होता है जब मॉडल्स बनाए जाते हैं, देन उसका जो है मटेरियल डिसाइड होता है, देन हर चीज डिसाइड होता है। उस टाइम पे एक एम्प्लॉय ने आवाज उठाई जिस चीज को लेकर कि ये जो इसका हल है, ये इसका चैसी है, ये बहुत बहुत वीक मेटल से बना हुआ है और ये इतनी गहराई तक नहीं जा सकता। लेकिन लोगों ने उसकी सुनी, नजरअंदाज कर दी बात, हाँ नजरअंदाज कर दिया था लोगों ने। तो ये मुझे जब पता चला तो मैंने कहा ठीक है ऐसा हो सकता है, बट हमने नहीं देखा ना, मतलब कुछ भी कह सकते कि मतलब घूम फिर के यही कह रहे कि ये ह्यूमन एरर है। हाँ ये ह्यूमन एरर है, लेकिन अब ये सोच सकते जहां पर इतने लोगों की इनविजिबल लाशें हैं वहां पर 5 लोगों की और इनविजिबल लाशें होना एक कोइंसिडेंस है कि एक मिस्टीरियस चीज है या ह्यूमन एरर है। फुल ऑफ वो रियल शिप नहीं थी। इसीलिए वहां जैसे कि जिसने जिसकी शिप थी टाइटैनिक, ठीक है, उसके एक दुश्मन था, ठीक है, उसने क्या की शिप को उससे वही डुप्लीकेट शिप बनवा दी थी उसने, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो शिप डूबी थी वो टाइटैनिक थी, वो आज भी है, लेकिन जो डूबी थी वो असली टाइटैनिक नहीं थी, क्योंकि वो उस समय सबसे पावरफुल शिप थी वो उस समय की, और डूब भी सकती थी किसी का अनसिंकेबल बोला गया, अनसिंकेबल। और तो और जिसने बोर्ड को एक्सचेंज किया था उसको पता था कि बोर्ड जो है डूबेगी, ठीक है, क्योंकि जो मालिक था जो टाइटैनिक शिप बनाई थी, ठीक है, उसका जो दुश्मन था उसको पता था कि ये शिप जो है चल गई है और अब वो सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर उसके ज्वेलसी की वजह से उसने शिप एक्सचेंज कर दी थी, ऐसा कुछ हुआ था, मैंने ऐसा सुना है यूट्यूब पे। देखो भाई लोग व्यूज के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, बट लाइक जो मैंने सुना था जो लाइक सेंस बनाती है चीज, वो सेंसिबल चीज ये थी कि वो बता रहा था कि जो शिप थी उसमें जैसे टाइटैनिक सबमरीन है उसमें एक एरर ह्यूमन एरर बोला गया, तो वैसे ही टाइटैनिक में भी ऐसा बोला जा रहा था कि उसका जो जिस पार्ट पे आइसबर्ग लड़ा था वो पार्ट पहले से कमजोर था। अच्छा अच्छा हाँ बहुत सारे अफवाहें फैलाई गई थी इसके बारे में, बहुत कुछ हुआ था, मुझे टाइटैनिक डूबी थी ना वो रियल नहीं थी, but it was in fact its sister ship, the Olympic that sunk as a part of an Asian ship. Well, अपने अपने theories हैं। जैसे कि इसमें देखो लिखा हुआ है कि social.shorthand.com पे इसने तुमने बताया है साफ साफ कि जो ship जो है जो अप्रैल 1912 में डूबी थी वो ship real नहीं थी, वो एक उसकी sister ship थी जिसका नाम तो Olympic, और ये सब हुआ था एक insurance के अंदर से। टाइटैनिक का बोलकर क्योंकि टाइटैनिक बहुत महंगी थी तो इन्होंने टाइटैनिक का बोलकर ओलंपिक शिप को भेज दिया, ओलंपिक शिप को भेज दिया, और जब वो उनको पता था शायद वो कि डूबेगी और एकदम फोर चिमनीज थी उसमें, ओलंपिक शिप में भी उन्होंने फोर चिमनीज बना के उनको टाइटैनिक तरफ बना के भेज दिया था, और डुबाया जा चुके ऐसा ही। लेकिन आइसबर्ग एक नेचुरल चीज है, उसको बनाया नहीं जाता, कौन देखने गया था मूवी वाले देखा था शायद, और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मूवी 12,500 फीट डीप थी। अच्छा हमारे यहाँ ट्रंक्स नहीं है वो, ठीक है, टाइटैनिक सबमरीन थी वो सच्ची
चलो ठीक है, वी विल लीव यू इन मिस्ट्रीज नाउ एंड रिसर्च आपको कर लो, हम ही देंगे. ठीक है, हम नहीं देंगे आपको, खुद ढूंढो. इसका लिंक मैं डाल दूंगा, देखना है देखो, नहीं देखना है ना देखो, आई डोंट केयर. ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में. बाय बाय, सी यू ऑल. व्यूज तो देते नहीं हो, क्यों ढंग से बोलूं है. चलो मिलता हूँ मैं, बाय बाय.